ये मेरा कुरियर आज आ गया है फ्लिपकार्ट से। ये PS5 का गेम है और बहुत ही सस्ते रेट में मिला है। मतलब पॉसिबल नहीं है भाई, PS5 का ओरिजिनल गेम और बहुत ही कम पैसों में, बहुत मतलब बहुत, जितना अंदाज़ा लगा सकते हो लगा लो। हालांकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कितने सस्ते सस्ते में मैंने इस सेल में लिया है। जिसने लिया है भाई उसकी तो वाह वाह हो गई, जो नया नया बंदा प्ले स्टेशन खरीद रहा है। बाकी तो मुश्किल है भाई इस रेट में दोबारा मिलना, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, सेल आते जाते रहते हैं। बट जो बंदा नया नया करता है उसको सस्ते में गेम चाहिए। जैसे मैं पहली बार जब मैंने PS5 खरीदा था तो मेरे को बहुत महंगा पड़ा था। जैसे कि बोल रहा था मैं कि मैंने जो फर्स्ट टाइम मैंने PS5 परचेज़ किया था तो मेरे को बहुत महंगा पड़ा था। मतलब करीबन 4,000 रुपये की डिस्क पड़ी थी। उसमें दो स्पाइडरमैन के गेम थे, एक PS4 का रिमास्टर था PS5 में और एक PS5 का गेम था। भाई ये तो बहुत ही सस्ते में मिला है। मतलब कि वो दो गेम अगर 4,000 में था तो समझ लो क्या बताऊँ। चलो मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। अब ये मेरे को आया पैकेट। अब इसके ये देखो आवाज़ आ रही है, मतलब ये फ्लिपकार्ट वाले नहीं सुधरेंगे। ऐसा नहीं मैंने सील खोल रखा है भाई, सील पूरा प्रॉपर पैक है ये, चारों तरफ से पूरा पैक है ये सील अच्छे से। लेकिन इसके पहले भी मैंने इससे स्पाइडर में मंगाया था, ऐसी आवाज़ आ रही थी। देखो अब मैं इसे खोलता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ है, कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि साला मंगाया कुछ और है, मिल कुछ और गया तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। खुल गया, बहुत मोटी पैकेज भाई। क्या करो भाई, तो स्टैंड नहीं है मोबाइल का तो इसी से काम चलाना पड़ता है अपन को। भाई आ गई गेम अपने पास, होरिजन फॉरबिडन वेस्ट। भाई देखने में तो ओरिजिनल लग रही है भाई। पेस देखो, अगर देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, प्ले स्टेशन का लोगो दिख रहा है बिल्कुल साफ। इसका मतलब ये भी ब्रांड न्यू सीडी है, ब्रांड न्यू सीडी है भाई। लेकिन अब अंदर कंडीशन पता चलेगा ना कैसा है कैसा नहीं है। ये देख रहे हो MRP, बताता हूँ भाई कितने मिल गया है, बताता हूँ सब्सक्राइबरों को तो पता है, जो भाई नए वीडियो देख रहे हैं उनको भी बताता हूँ मैंने कितने मिल गया है। बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ता। तुम्हें कहीं भी ऑफलाइन मार्केट में चल जाओ, मेरी गारंटी है इस रेट में तुम्हें कोई नहीं देगा। मतलब समझ लो सेकेंड हैंड की सीडी से भी ज़्यादा सस्ती मिली है ये, सेकेंड हैंड की सीडी से भी। देखता हूँ भाई इसके अंदर क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा वीडियो क्योंकि एक हाथ से तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा रुको ट्राई करता हूँ एक सेकेंड। ठीक है भाई, इसे खोलने के लिए मैं एक फाड़ू यंत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि ये बहुत सी चीज़ों में काम आता है, आपको पता चल गया होगा। मैं आज इससे इसकी प्लास्टिक फाड़ूंगा और मेरा कैसेट बाहर आएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने गॉड ऑफ वॉर खोलने की कोशिश की थी तो ये नहीं फट रहा था, क्योंकि अच्छी पैकेजिंग होती है इनकी, अच्छे प्लास्टिक यूज़ होते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहीं से ट्राई करता हूँ क्योंकि यही सबसे नाजुक कर ली है। तो एक सेकेंड, अबे यार एक खास से मैनेज करना बड़ा बड़ा खतरनाक होता है। और ये या ये देख भाई, ये फाड़ा मैंने और ये फट गया। अब इसको पूरा ही फाड़ दो, सोचना यार फाड़ो 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 फाड़ो, वेट नहीं होता, फाड़ो इसे फाड़ो। इसका भी अभी कोशिश करता हूँ गेम प्ले का। और ये पूरी कैसेट खुल गई, 5 MRP दिखा देता हूँ आपको कि ये दोबारा MRP देखने को नहीं मिलेगा। अरे फोकस हो जाए, ये देखो 5,000 रुपये की गेम है भाई, बताता हूँ रेट कितने का है। हैं अरे बच्चा ये है गेम PS5 की। अब पता है मेरे को कैसेट निकला हुआ, आवाज़ तो आ रही है। अब ये देखो PS5 की गेम, मेरे को ही देखने मज़ा आ रहा है। ये अच्छे से दिखाता हूँ आपको, भी बहुत बड़ा स्टोरेज है भाई इस गेम का, मतलब अच्छा खासा स्पेस आपका प्ले स्टेशन 5 को लेगा। तो भाई मैंने बहुत ढेर सारे गेम परचेज़ कर लिए हैं तो भाई गेम तो कुछ डिलीट करने ही पड़ेंगे भाई। तो कोई स्क्रैच नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक स्क्रैच है, बाकी बिल्कुल ब्रांड न्यू सीडी है, ब्रांड न्यू। सीडी है भाई, और देखते हैं इसके अंदर कुछ और दिया है या नहीं दिया हुआ है। स्टर है, कुछ नहीं है भाई, कुछ हेल्थ वार्निंग वगैरह की लिस्ट है और
और ये हॉराइजन का फॉरबिडन वेस्ट का पीछे कुछ बना हुआ है, बस यही है भाई, कुछ नहीं, मैप है शायद इसके अंदर। हाँ मैप है, एक सेकंड क्या खोलूँ, रहने दो इसको, इसके अंदर रहता बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, इसको इसके अंदर रहने दो। चलो भाई बता देता हूँ इसका रेट कितने मिला है। भाई ये बहुत सस्ते में मिला हुआ है, ये मेरे को सिर्फ 1500 रुपये का पड़ा है कैसेट। PS5 की ओरिजिनल गेम मात्र 1500 रुपये की, जो मेरे को नहीं लगता आपको किसी भी शॉप में सेकंड हैंड भी इतना सस्ता मिलेगा। अब बताना, बाकी मैं इसको चेक करता हूँ कैसा है कैसा नहीं, चल रहा है नहीं चल रहा है वही मैं चेक करके बताऊँगा गेम कैसा चल रहा है कैसा है गेम। सुना बहुत खूबसूरत गेम है, बहुत तगड़े ग्राफिक्स है इसके, तो ठीक है गेम प्ले देखते हैं। अभी तो मैं इसे लगाऊंगा इंस्टॉलेशन पे, देखता हूँ कितना टाइम लेता है, बाकी आगे आपको बताता हूँ। यारो अभी मैंने ये कैसेट चेक किया हुआ है, और चेक मतलब कि जी हाँ, ये प्लेस्टेशन 5 में रीड कर चुका है गेम भाई, लेकिन क्या बताऊँ ये साला मतलब कि अकेले ही एक पूरा का पूरा अच्छा खासा स्टोरेज वाकई में ले रहा है। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 98 GB का, और भाई इसके अलावा मेरे पास और भी कई गेम है, मतलब कि इसको खेलने के लिए कुछ गेम डिलीट करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ऐसे 4-5 गेम या 7 गेम अगर डाउनलोड करते हो, इतने बड़े बड़े ओरिजिनल जो PS5 कैटेगरी की गेम है, ओरिजिनल PS5 की गेम, भाई बहुत मुश्किल है ज़्यादा गेम रखना, आपको डिलीट करना ही पड़ेगा। PS4 के तो अच्छे खासे गेम आ जाएंगे, बट PS5 के मुश्किल से मुझे लगता नहीं कि 10 गेम भी आ पाएंगे अगर इसके हाई फाई आर्टिकल आप लोगे। अभी तो मैं सोचा था गॉड ऑफ वॉर, गोस्ट ऑफ तुशीमा और एक रेड रेंज करके कुछ नाम का एक गेम है, वो भी मैं परचेस करने को सोच रहा था, बट भाई कहाँ रखूँगा इतने गेम, नहीं हो पाएगा भाई, वही है खेलो डिलीट करो फिर लो। अब सोच रहा हूँ मेरे को पॉज करना पड़ेगा, मैं सोचा था पूरा कलेक्शन जुटा लूँगा फिर खेलूँगा, लेकिन अब उम्मीद नहीं लग रहा भाई, नहीं लग रहा उम्मीद। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कॉपी हुआ है कितना नहीं हुआ है, और बहुत स्लो हो रहा है भाई, बहुत स्लो हो रहा है, लिटरली बहुत स्लो हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख भाई ये कैसे डिलीट कर चुका है PS5 का, और सिर्फ 10 मिनट में 5% हुआ, मतलब तुम समझ लो कि कितना टाइम लेगा, ये बहुत लंबा टाइम लेगा। और ये पूरा हो रहा अभी, मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल, बहुत गेम डिलीट करना पड़ेगा। गॉड ऑफ वॉर भी अच्छा है यार, स्ट्रीट फाइटर भी मैंने परचेज किया, ऐसा गेम प्ले आपको दिखाता हूँ, टेकन है ये, डिलीट करना पड़ेगा भाई, रास्ता नहीं है। चलो बाकी गेम प्ले करके दिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।